आओ दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी जगह लेके जा रहा हूँ जहाँ पर बच्चों को पढ़ाई के अलावा कुछ अलग चीज़ें सिखाई जाती है। जैसा कि आप सब जानते हैं, मई जून का महीना है, ज़्यादातर बच्चों की स्कूलों की छुट्टियाँ रहती हैं, तो ये वो जगह है यहाँ पर पढ़ाई के अलावा भी कुछ नई चीज़ें सिखाई जाती है, जैसा कि मेहंदी लगाना, बालों की हेयर स्टाइल बनाना वगैरह। तो हम आपको बच्चों के बीच में लेके जाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर 5 साल और उसके ज़्यादा उम्र के बच्चे हैं जो यहाँ पर अलग अलग प्रकार की चीज़ें सीख रहे हैं, जैसे ड्राइंग है। वहाँ पर देखिए, जैसे बच्चे हैं जो वहाँ पर रंगोली बनाना सीख रहे हैं। यहाँ पर ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं, तो आइए हम देखते हैं क्या क्या सीख रहे हैं और इन्हें सिखाने वाले कौन हैं, उन सबसे हम बातचीत करते हैं। बहुत खुशी हुई कि आप जो छुट्टियों का जो बच्चों के साथ अच्छा उपयोग हो रहा है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देती हूँ। कि बच्चों में संस्कार भी आजकल एक ज़रूरी हो गया है, क्योंकि टीवी के माध्यम से जो बच्चों को आजकल थोड़ा उन्नत सिखाया जाता है, तो हम प्रयास करते बच्चों में अपने संस्कारों को वापस उनमें प्रोत्साहित करें कि ये अपने संस्कार हैं। जिस तरह आप मंत्र सिखाती हैं, योग करना सिखाती हैं, तो ये इनके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देती हूँ। और सभी सखी बहनों को जो इनसे जुड़ी हुई है और इनका पूरा सहयोग करके और ये काम को अच्छा चला रहे हैं, तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सूचित करती हूँ। यही सीखा है। कसके मार लगाना, एक बार में काम होना चाहिए पूरा। संस्कार देने का इस तरह के छोटे मोटे जो अपने जिंदगी में आप प्रयास करके अपना बचाव करने के, जैसे कराटे की क्लासें लग रही है, डांस भी है और इनमें ये करना कि आप अपने हाथ रक्षा खुद कर सकते हैं, उसके लिए इनको अभी से वो शुरुआत है कि आप इस तरह से कराटे सीख के अपने हाथ रक्षा खुद कर सकते हैं। और दूसरे भी मैंने कैंप लेके जैसे बच्चों को रुचि के अनुसार जो जिसमें रुचि रखता है उसको मोटिवेट किया जा रहा है कि आप उसमें कुछ करिए। और जो बच्चों आजकल जो टीवी के अंदर बैठे रहते हैं, तो उनसे उनको थोड़ी टीवी से निजात दिलाते हैं, संस्कार प्रोत्साहित करना बच्चों को, क्योंकि आजकल बच्चों को बहुत से बच्चे इस तरह के जिनमें कोई मंत्र ही नहीं आता, उन्हें पता ही नहीं हमारे संस्कार क्या है वास्तव में। आपके प्रयासों के कारण
मुझे तीसरा एग्जाम पर जब मुझे आने का तो बच्चों ने संस्कार को भारतीय संस्कृति का है उसके बारे में मुझे जानकारी देना। बच्चों में भी टी वी ना देख कर छोटा मोटा अपना जो भी सीख रहा है, चित्रकला है या मेहंदी है या डांस है, ये सब सीख करके वो एक अपना अच्छा एक एटीट्यूड कर सकते। ये ऐसी योजनाएं होनी चाहिए गांव में भी, ग्राम पंचायत है सरपंच के माध्यम से इस तरह के छोटे छोटे कैंप लगा कर बच्चे जो सारा दिन धूप में इधर घूमते रहते हैं उनकी जिसमें रुचि है उस रुचि के अनुसार कैंप लगा करके उन्हें भी वो सिखाना। तो आइए मित्रों, हम उन्हीं में से एक शिक्षक से बात करते हैं। तो सर आपका नाम? चंद्र विकास। सर आप यहाँ पर बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? यूथ सिखाते हैं जिससे सेल्फ डिफेंस कई मामले जाते हैं, बड़े बड़े हो जाती है वहाँ की सुविधा के लिए काम आता है। एक व्यक्ति कैसे निर्भर होकर लड़ सकता है, कभी आवश्यकता पड़ती है वो अपने ऊपर वो किस प्रकार से निर्भर होकर लड़ सकता है, इसके लिए बहुत जरूरी है। तो सर अभी तक बच्चों ने यहाँ पर क्या सीखा है? उसके अंदर मार लगाना, मार को रोकना, किसी के ऊपर वार होता है उसको वापस धक्का देते हुए गिराना या पटकना दोनों चीज़ें सीखी। सर हम अभी किसी बच्चे को बुला के प्रदर्शन करा सकते हैं? लगे नहीं, ठीक है, ओके। अभी लगभग थोड़ा हो बाकी है, थोड़ी प्रैक्टिस हो। अच्छा, अभी आपने जो यहाँ कराटे सीखे हैं तो इसका दुरुपयोग तो नहीं करोगे स्कूल में बच्चों को परेशान करने के लिए? नहीं, तो ये क्या फायदा करेगा, क्यों सीख रहे हो आप, क्या काम आएगा आपके? ताकि कभी जरूरत और पड़ जाए तो अपनी सुरक्षा दे। हाँ बिल्कुल ऐसा जी, मैं बचपन से ही सीख रहा हूँ और सिखा रहा हूँ। लगभग आपने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का नाम सुना ही होगा। हाँ बिल्कुल, उसमें भी मैं शिक्षक जा चुका हूँ ट्रेनिंग के लिए। अभी क्या है कि थोड़ा सा बच्चों में ये देखो कि एनर्जी आ रही है, तो एनर्जी के साथ साथ उनको सीखना भी चाहिए और बच्चे अभी सीखेंगे तो इनमें बल आएगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और ये आत्मविश्वास के लिए बहुत जरूरी है।